13, 14, 15 ये तीनों क्वेश्चन एलटी वाले हैं कि एलटी के फिक्स पॉइंट्स का जिक्र है और मैं तुम्हें करवा चुका हूं। आ जाओ क्रॉस रेशियो पे आ जाओ 5.5 कर लो ना बच्चों, कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, वैसे आएगी नहीं प्रॉब्लम। क्रॉस रेशियो का तो छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है बस, सुनो क्या है। हाँ जी बच्चों, चार डिस्टिंक्ट पॉइंट है, Z1, Z2, Z3, Z4। आवाज ना करो, चार पॉइंट है ये, चारों डिस्टिंक्ट है, Z1, Z2, Z3, Z4। इन चार पॉइंट्स के क्रॉस रेशियो को ऐसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट कॉमे लगाओ, ब्रैकेट लगा दो। और इस क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन याद करने के कई तरीके बना रखे हैं लोगों ने, लेकिन मेरा जो तरीका है वो ये है कि आप चार ब्रैकेट बनाओ। कई लोग नंबर से याद करते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से, मैं ऐसे याद करता हूं कि चार ब्रैकेट Z1 - Z2, Z2 - Z3, Z3 - Z4 और Z4 - Z1, ये चार ब्रैकेट लो, इनको लिखना शुरू करो, नीचे से स्टार्ट करो डिनोमिनेटर से, पहली नीचे, दूसरी ऊपर, तीसरी नीचे, चौथी ऊपर, ठीक है। पहली ब्रैकेट क्या आई बच्चों, Z1 - Z2 उसको नीचे रखो, दूसरी ब्रैकेट क्या आई, Z2 - Z3 उसको ऊपर रखो, तीसरी क्या आई, Z3 - Z4 उसको नीचे, और चौथी क्या आ गई, Z4 - Z1 उसको आप ऊपर रखो। ओके, लोगों ने नंबर भी बना रखे हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4, या ऊपर 2, 3, 4, 1, और भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, इसको आगे कर दो, उसको पीछे कर दो, लेकिन ये नोमेनक्लेचर से मुझे लगता है कि नोमेनक्लेचर से Z1, Z2, Z3, Z4 से दूर रहना चाहिए। जब न्यूमेरिकल आता है ना तो वहां पे हमारे दो स्टेप बचते हैं, एक तो नाम रखें Z1, Z2, Z3, Z4, फिर सोचे किसको कहां लिखना है, किसको कहां लिखना है, ये बेस्ट है। चार चीजें, फर्स्ट माइनस सेकेंड नीचे, सेकेंड माइनस थर्ड ऊपर, थर्ड माइनस फोर्थ नीचे, फोर्थ माइनस फर्स्ट ऊपर। ओके, समझ गए, तुमने कैसे याद किया था BSC में इसको, 4 - 1, हाँ 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, ठीक है, बढ़िया। लेकिन मैं कैसे करता हूं इसको याद, Z1 - Z2, Z2 - Z3, Z3 - Z4, Z4 - Z1, चार ब्रैकेट है, उनमें से पहली नीचे, दूसरी ऊपर, तीसरी नीचे, चौथी ऊपर, ठीक है अंजलि, आपका तरीका अच्छा है मेरा, देख लो अभी तो सोच लो, दोनों ही बराबर है, ठीक है। अभी इसने पहले तो इसने कहा सर आपका तरीका, डरते हुए कहा इसने, मैंने थोड़ा सा इसको जो ना कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कहा सोच लो बेटा कोई बात नहीं, फिर इसने कहा सर दोनों ही बराबर है, अभी थोड़ी देर बाद ये भी कहेगी सर मेरा अच्छा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो ये क्रॉस रेशियो हो गया बच्चों। अब एक क्रॉस रेशियो की थ्योरम है, थ्योरम यह कहती है क्रॉस रेशियो की कि अगर तुमने जेड प्लेन में चार पॉइंट ले लिए Z1, Z2, Z3, Z4 और उन चार पॉइंट्स की इमेज आ गई अंडर ए बी टी W1, W2, W3, W4 इमेज आ गई। थ्योरम है, सिंपल सा प्रूफ है, न्यूमेरिकल सा प्रूफ है, लिखा भी हुआ है मैंने इसमें, क्या है कि इन चार पॉइंट्स का जो क्रॉस रेशियो आएगा Z1, Z2, Z3, Z4 का, वही क्रॉस रेशियो इनकी इमेजेज का आएगा W1, W2, W3, W4 का, अगर इमेजेज एक बीटी के अंडर निकाली गई है तो, ठीक है, मैं कह सकता हूं क्रॉस रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर ए बीटी। पढ़ना क्या लिखा है, रिजल्ट वन क्या लिखा है, क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर ए बीटी। Z1, Z2, Z3, Z4 अगर चार पॉइंट इधर है, उनकी इमेजेज उधर है, तो उनके लिए जो क्रॉस रेशियो है वो आपका
जो इतना इनका आएगा चारों का उतना ही W1, W2, W3, W4 का आएगा। चलो जी एक्सरसाइज पे आ जाऊं। एक्सरसाइज में क्या करता है कि BT फाइंड करनी है, Z1, Z2, Z3 दे दिए, W1, W2, W3 दे दिए। हां जी देखना, माइनस वन जीरो और टू को कहां लेके जाना है, अंडर ए बी टी लेके जाना है, एक बी टी है, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो वन और इन्फिनिटी। देखो बच्चों, एक ऐसी बी टी फाइंड करो जो माइनस वन को जीरो पे ले जाए, जीरो को वन पे ले जाए और टू को इन्फिनिटी पे ले जाए। एक ऐसी बी टी फाइंड करके लाओ। क्वेश्चन ये, डोंट पुट द नेम Z1, Z2, Z3, उसने लिख रखा है एक्सरसाइज में, तो हम नहीं लिखेंगे, एग्जाम में भी नहीं आते हैं, गेट में आता है क्वेश्चन ये, वो यूं कहता है ये तीन पॉइंट है, माइनस वन को जीरो पे, जीरो को वन पे, इनको भेजने वाला। चौथा पॉइंट बच्चों आप इधर तो क्या मान लो Z और इधर क्या मान लो W, तीन पॉइंट वो देगा, तीन पॉइंट की इमेज भी देगा, चौथा पॉइंट आप जेड मान लो, उस साइड पर आप डब्ल्यू मान लो। और अब जस्ट पता क्या करो, इनका क्रॉस रेशियो ले लो और उनका क्रॉस रेशियो ले लो, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, बीटी मुझे फाइंड करनी है, ओके okay? और दोनों क्रॉस रेशियो को इक्वेट कर दो एंड जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड, यू गॉट द आंसर। अब देखना था सभी ध्यान से, क्रॉस रेशियो लिखवाना जरा इधर लेफ्ट साइड पे, क्या माइनस वन माइनस जीरो पहली ब्रैकेट नीचे, जीरो माइनस टू दूसरी ब्रैकेट ऊपर, टू माइनस जेड तीसरी ब्रैकेट नीचे, जेड प्लस वन चौथी ब्रैकेट ऊपर। अंजलि बोलो ना, अच्छा कोई बात नहीं, अंजलि जरा आओ यहां लिखवाओ जरा, हाँ बेटा ठीक है, हाँ डब्लू माइनस, हाँ अब बोलो, बोल दो ना, नंबर से याद मत रखो, एग्जाम में वो स्टेप बचता है। जेड वन जेड टू जेड थ्री रखोगे फिर तुम उस क्रॉस रेशो की वैल्यू रखोगे, जेड वन माइनस जेड टू, जेड टू माइनस जेड थ्री, फिर वह पॉइंट्स पुट करोगे, लगे ना दो स्टेप ज्यादा है ना, वन टू थ्री फोर से याद कर रखा होगा या वैसे कर रखा होगा, जेड वन माइनस जेड टू यहां आएगा, जेड फोर माइनस जेड वन यहां आएगा, उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे वो दो स्टेप ज्यादा लगे। ऐसे याद करो, फर्स्ट माइनस सेकंड नीचे, सेकंड माइनस थर्ड ऊपर, थर्ड माइनस फोर्थ नीचे, फोर्थ माइनस फर्स्ट ऊपर, ओके। तो उसके वो सफिक्स याद करने की फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं सफिक्स यूज करने होंगे तो वो कर भी देंगे हम, हमारा तरीका तो ज्यादा बेस्ट है ना, न्यूमेरिकल है सीधा कर देंगे, कहीं पर सफिक्स देने हैं तो वो भी दे देंगे, ओके। अब एक काम करना, इसको तो इसमें तो इन्फिनिटी है नहीं, राइट साइड में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी वाले दोनों ब्रैकेट ऊपर वाला नीचे वाला एक साइड पे ले जाओ, बाहर ले जाओ पहले, और उसको सॉल्व करके ले आओ। हाँ जी बताना कितना आ गया, वन माइनस इन्फिनिटी अपॉन क्या है ये, इन्फिनिटी माइनस डब्ल्यू, कोई बच्चा सीधा ही बता दे तो मजा आ जाए, क्या आंसर आ गया, माइनस वन, बना लो ना ट्रिक, जब कभी भी इन्फिनिटी हो ना ऊपर नीचे तो जो बाकी टर्म है वो तो हटा दो, है ना, आप यूं कह लो ना ये बाकी टर्म है तो हटा दो, ये सारी हटा दो और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है, लवीना कह रही है सर रिकॉर्ड हो चुका है, आपने कहा क्यों नहीं है, और वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है विद साउंड, आपने बोला है ऐसा मतलब, ठीक है, इन्फिनिटी से क्या रखना चाहिए था, एन रखना चाहिए था, और वो एन टेंस टू इन्फिनिटी करते कॉमन निकालते माइनस एन अपॉन एन करके माइनस वन आंसर आता, मैंने ये बोला है, ठीक है। चलिए तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया, माइनस वन, ये मिटा दिया मैंने, यहां से ये ब्रैकेट भी मिटा दी और मैंने ये माइनस का वन रख दिया, और अब ये माइनस माइनस तो कट गया, बहुत बढ़िया मजा आ गया, माइनस से माइनस खत्म, सीधा डब्ल्यू का आंसर आ गया, क्या आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताइए ये माइनस टू है नीचे माइनस वन है, इस माइनस वन को तो अंदर ले जाऊंगा, जेड माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू टाइम्स जेड प्लस वन अपॉन क्या, जेड माइनस टू, दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अच्छा वेरिफिकेशन करनी है, सुनो आंसर आ गया, फटाक से वेरीफाई कर लो, माइनस वन पॉइंट पुट करके क्या आना चाहिए था, जीरो, रखना जरा जेड को माइनस वन, यस जीरो आ रहा है,
फिर जीरो रख के क्या आना चाहिए, वन, जीरो रखना, यहां जीरो किया, माइनस टू अपॉन माइनस टू वन आ रहा है। फिर उसके बाद टू पुट करके क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी, हाँ जी बिल्कुल, जेड को टू पुट करोगे नीचे डिनोमिनेटर में आ गया इन्फिनिटी। अच्छा सुनो, किन्हीं भी तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को, तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को, तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ले जाने वाली जो बीटी है वो हमेशा यूनिक होती है, आंसर यूनिक है, फिक्स आएगा, सबका सेम आएगा। लिखो इस बात को जरा एक बार, देयर इज ऑलवेज ए, देयर इज ऑलवेज ए यूनिक बीटी, देयर इज ऑलवेज ए यूनिक बीटी विच मैप्स थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा जेड थ्री, थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा जेड थ्री टू द थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डब्ल्यू वन कॉमा डब्ल्यू टू कॉमा डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू वन कॉमा डब्ल्यू टू कॉमा डब्ल्यू थ्री। तो तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे भेजने वाली बीटी हमेशा यूनिक होती है, तो आपको आंसर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर जो आपका आएगा वो यूनिक आएगा। हां ये हो सकता है, एक काम हो सकता है कि कैलकुलेशंस के अंदर कुछ गड़बड़ हुई हो, और हुआ क्या हो, मतलब एक बात बताओ, ये आंसर तुम्हें दिख रहा है, मैं इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, और खासकर जब आयोटा होता है जब तो एकदम से नजर भी नहीं पड़ती है, छोड़ो इसको, मान लीजिए कहीं पर ये लिखा है एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा, मैंने चुपके से ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दिया और ये आ गया जी क्या, आयोटा जेड प्लस का वन अपॉन में क्या आयोटा जेड माइनस का वन, यू लिख दूं, अब एट रैंडम एकदम से बच्चा देख नहीं पाएगा, सब ये सेम ही है क्या, हो सकता है तुम्हारा आंसर ये आया हो और एक्सरसाइज के आंसर में ये लिखा हो और तुम सोचो हमारा तो आंसर अलग आ गया, तो आप आंसर अलग आ गया ना, तो आप एक कोफिशिएंट को जबरदस्ती इक्वल करो, आपके जेड का कोफिशिएंट क्या है वन, आप इसमें से आयोटा को खींचो बाहर, समझ रहे हो, या इसको ऊपर नीचे आयोटा से डिवाइड करो, और अगर वो आंसर सेम होगा तो आप एक कोफिशिएंट को मैच करोगे सारे मैच कर जाएंगे, तो ये और ये दिखने में ही तो अलग है, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा ही तो किया है तुमने, दिखने में तो अलग है, एकदम से तो नजर नहीं पड़ती, ऐसा लगता है अलग बीटी है, बट टेक्निकली दे आर सेम, समझ गए, तो घर पे जाके आप काम करोगे, पांच छह सवाल है ये, इनके अंदर से करना वही है, और अगर आंसर आपका यूं का यूं सेम टू सेम ना मैच करे तो जो एक्सरसाइज में दिया है और जो तुम्हारा आया है उसके अंदर से कॉमन वॉमन खींच के देख लेना, बराबर हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज सुनो, छोड़ो आंसर मैच ना करे, आप वेरिफिकेशन कर लो, इन तीन पॉइंट्स की इमेज, ये तीन पॉइंट्स आने चाहिए थे, अगर आपकी वेरिफिकेशन सही जा रही है तो आप 100% दावे के साथ कहोगे कि मेरा आंसर ठीक है, वो कहेगा जी आंसर बुक में अलग है, तो आप कहना कि उसमें ना कुछ कॉमन वोमन खींचना पड़ेगा, बराबर हो जाएंगे दोनों, क्योंकि यूनिक भी तो है आंसर, बच्चों समझ रहे हो क्या, आंसर यूनिक भी तो है। अब जैसे इसमें से तुमने आयोटा कॉमन खींच लिया, ऊपर नीचे आयोटा कट गया वो बन गया, बोलो बच्चों, आगे चलो, कर लोगे 5.5, कितने सवाल हैं, छह सवाल है, कर लेना इनको, एक रिजल्ट सेकंड है वो पढ़ लो जरा एक बार, द क्रॉस रेशियो ऑफ फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर इज रियल नंबर इफ एंड ऑनली इफ, अगर वो चारों पॉइंट एक लाइन पे हो या फिर एक सर्कल पे हो, इफ एंड ऑनली इफ का रिजल्ट है, प्रूफ यू कैन स्किप, एक बार आया हुआ एग्जाम में, ये शायद गेट में आया हुआ है, देखो बच्चों ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर से तुमने चार पॉइंट उठा लिए, कहीं से भी उठा लिए, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर, या फिर कोई एक लाइन है, लाइन के ऊपर से तुमने चार पॉइंट उठा लिए, और उन चार पॉइंट्स का क्रॉस रेशियो अगर आप लोगे, सर्कल के ऊपर से उठाए गए पॉइंट या लाइन के ऊपर से उठाए गए पॉइंट्स का क्रॉस रेशियो कभी भी लोगे तो वो हमेशा रियल नंबर आएगा, इफ एंड ऑनली इफ का रिजल्ट है। बात समझ आई क्या, क्या क्या है, क्या बात समझ आई, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर चार नंबर है, और चार नंबर्स का क्या निकाला तुमने, क्रॉस रेशियो, और वो क्रॉस रेशियो क्या आ गया,
रियल अगर आ गया तो वो चारों के चारों पॉइंट या तो किसी सर्कल पर लाई करेंगे या फिर किसी लाइन पर लाई करेंगे। लो जी थोड़ी सी छोटी सी वेरिफिकेशन करा दूं, ये सर्कल ले लिया, चार फेमस पॉइंट है, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा लिख लिए, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, ये चार पॉइंट है, सर्कल की बाउंड्री पर से उठाए हैं, बेशक इनमें तो आयोटा है कोई बात नहीं, लेकिन आप इनका क्रॉस रेशियो निकालो, आप इनका क्रॉस रेशियो निकालोगे आंसर रियल आएगा, निकाले निकलवाना क्रॉस रेशियो क्या आया, सी आर क्रॉस रेशियो, सी आर का मतलब क्या है क्रॉस रेशियो, ना कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी क्या आया, 1+1, ऊपर क्या आएगा -1 -iota, नीचे क्या आएगा -iota -1, थर्ड माइनस फोर्थ आएगा ना, तो आयोटा प्लस आयोटा, ऊपर क्या आया -iota -1, इसको आप सॉल्व करके देखना बच्चों रियल नंबर बन जाएगा, कर लोगे सॉल्व, करो जरा एक बार, ऊपर तो क्या बन गया 1+iota 1+iota ही तो है, तो ऊपर हो गया 1+iota का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस कॉमन खींच लिया, 1+iota का होल स्क्वायर, तो 1+iota² + 2iota, नीचे क्या हो गया, ये क्या हो गया, नीचे आ गया 4iota, ये कट गया 2iota / 4iota करके 1/2 आंसर आ गया, देखो समझ गए, रिजल्ट हो गया याद, कैसे अगर चार पॉइंट कहां हो किसी लाइन पर हो या फिर किसी सर्कल पर हो और उनका क्रॉस रेशियो निकालोगे तो हमेशा रियल नंबर आएगा और कन्वर्स भी ट्रू है। चलिए कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हां जी इवेल्युएशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, इनवर्स पॉइंट और सिमेट्रिक पॉइंट पढ़ लो एक बार, पहला पॉइंट आ गया इनवर्स पॉइंट का, यस ये आपके पास एक सर्कल है, जेड नॉट इसका सेंटर है, या ओ ले लेता हूं, चलो ओ इसका सेंटर है और ओ से ओरिजिनेट होती हुई कोई एक रे है, ये एक रे है, रे मींस किरण, एक तरफ एरो लगेगा, एक तरफ से ओरिजिनेट होगी, लाइन पे दोनों तरफ एरो लगते हैं और लाइन सेगमेंट पे दोनों तरफ डॉट लगता है, लाइन सेगमेंट होता है पार्ट ऑफ ए लाइन, ठीक है बोलो। अब सुनो ये जो आपके पास ओ है, मैं एक मिनट के लिए तुम्हें समझाने के लिए बोलता हूं कि मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस है 4, ठीक है, आप ओ से एक रे बनाओ किसी भी डायरेक्शन में बनाओ और उस रे के ऊपर दो पॉइंट लो ए और बी, और इस तरह से लो के उन दोनों पॉइंट्स का अगर सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर जो कि मेरा ओ चल रहा है, सेंटर से डिस्टेंस लेके मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो रेडियस का स्क्वायर आ जाए, 4² = 16 आ जाए, ऐसे कोई दो पॉइंट लो, जैसे ये डिस्टेंस आपका 4 है, मान लो मैंने ए पॉइंट यहां ले लिया बच्चों और बी पॉइंट, अब ये डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मेरा यूनिट अगर चल रहा है तो बी है ना, मुझे फिर जाके यहां लेना पड़ेगा जिसका कि ओ से डिस्टेंस कितना होगा 8 होगा, ओ बी 8 होगा, ये डिस्टेंस है इतना 8 होगा, समझ रहे हो क्या, तो ये 2 है ये 8 है, आंसर आपका 16 बन गया। अब सुनो मान लो ये ए पॉइंट यहां से सरक के थोड़ा आगे चला गया और इसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रह गया ये ऐसे, तो ये बी पॉइंट कहां जाएगा बच्चों, अगर ये 1 हो गया तो ये कितना आएगा, समझ रहे हो क्या, तो फिर तो बी पॉइंट आपका यहां जाके ठहरेगा और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना आ जाएगा 16, OA का अगर 1 है तो OB 16 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपको 16 रखना है,
पर एक कॉमन सेंस की बात है, अगर इस वैल्यू को तुम घटाओगे, ओ ए इंटू ओ बी लिखा हुआ है, अगर आप इस वैल्यू को कम करोगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपको कितना रखना है, 16, तो आप एक नंबर बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ओ ए को अपने 1/2 ले लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा, 32, तब जाके ये कितना आएगा, 16। अच्छा एक बात यूं ना सोचना, एक बात इस तरह से ना सोचना कि जितना ए चलेगा उतना बी चलेगा, ऐसा नहीं है। ये ए का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था सेंटर से, अगर ये आधा सेंटीमीटर आगे चला ना तो उसको 16 सेंटीमीटर चलना पड़ा। अगर ये एक से घटके 1/2 हो गया तो इसको 16 से बढ़ के 32 होना पड़ा। इनकी चाल बराबर नहीं है। ये प्रोडक्ट 16 रखना है, जैसे क्लॉक में होता है, जो क्लॉक में जो घंटे की सुई है, आर एंड जो है वो तो दिखती भी नहीं चलती हुई, और देखो बेचारी सेकंड की सुई को, दिन रात उसकी घिघी बंधी रहती है। समझ रहे हो क्या, नहीं समझ आई बात? तो ये ए के बराबर बी की चाल नहीं है, ए थोड़ा सा आगे सरकेगा ना तो बी को ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रखने के लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। ए ने अगर हल्की सी छींक भी मार दी ना तो बी तो बहुत दूर जाके गिरेगा। इज इट ओके? फिर सुनो, अगर ये ए चलता चलता बाउंड्री की तरफ चलना पड़ा, अगर ए बाउंड्री की तरफ चल पड़ा तो बी फिर इधर आएगा, चलते चलते ए अगर बाउंड्री पर पहुंच गया यहां तो ये वैल्यू 4 हो गई, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। समझ गए? पढ़ना जरा, रिजल्ट्स पढ़ो, 122 पेज रिजल्ट्स पढ़ लो। क्या है, इफ ए पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अच्छा अब सुनो, ये दो पॉइंट होते हैं ना बच्चों, ए और बी, ये एक दूसरे के इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं। हम कह सकते हैं ए बी का इनवर्स पॉइंट है और बी ए का इनवर्स पॉइंट है। अच्छा एक बात सुनो, अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर होगा दूसरा सर्कल के बाहर होगा, एक नंबर 4 से छोटा है और दूसरा 4 से बड़ा है, तभी तो प्रोडक्ट 16 आएगा। या तो दोनों 4-4 हो जाएं, दोनों 4 से बड़े हैं तो फिर प्रोडक्ट 16 कैसे आ जाएगा? बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कॉमन सेंस रादर। और दोनों 4 से छोटे हैं तो प्रोडक्ट 16 कैसे आ जाएगा? या तो दोनों 4 हो, एक 4 से कम होगा दूसरा 4 से ज्यादा होगा, एक सर्कल के अंदर होगा दूसरा सर्कल के बाहर होगा। क्या लिखा है, इफ ए पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल देन इट्स इनवर्स पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल एंड वाइस वर्सा। एक पॉइंट अंदर दूसरा बाहर, इनवर्स पॉइंट बाहर होगा। हां जी, द इनवर्स पॉइंट, तीसरा पढ़ो पहले, द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री इज द पॉइंट इटसेल्फ। अगर बाउंड्री पर तुमने पॉइंट ले लिया तो इनवर्स पॉइंट उसका वही पॉइंट होगा। समझ गए? अब सेकंड पढ़ो रिजल्ट, द इनवर्स पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द पॉइंट एट इन्फिनिटी। बच्चों एक बात देखो बोर्ड पर, वो जो ए पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है क्या? वो ए पॉइंट जैसे 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 किसकी तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ, ओ की तरफ जाएगा, और बी पॉइंट को तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। ए हल्का सा हिलेगा और बी को कई हजार किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बताओ, ए अगर किसको अप्रोच करेगा, सेंटर को, जीरो ना बोलो, सेंटर को, ओरिजिन नहीं है वो, ये तो मैंने गलती कर दी, उसको लिख दिया, मुझे सी लिखना चाहिए था, पर अब क्या करूं, जो हो गया सो हो गया। ओरिजिन नहीं है वो, सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल में बी एनी पॉइंट। बताओ ए अगर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, सेंटर की तरफ, तो बी किसकी तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। इसीलिए ये कहते हैं कि द इनवर्स पॉइंट ऑफ द सेंटर इज इन्फिनिटी। इनवर्स पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज व्हाट, इज इन्फिनिटी। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट पढ़ लो, गेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मूला याद कर लो कि अगर सर्कल की इक्वेशन दी हो, बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन है, जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इज इक्वल टू आर, ये सर्कल की इक्वेशन है। सेंटर कितना है, जेड नॉट, और रेडियस कितना है आर,
और अल्फा कोई पॉइंट है, अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो, अल्फा एक पॉइंट है और अल्फा का तुम्हें क्या चाहिए, इनवर्स पॉइंट चाहिए। तो निकालने का तरीका ये है बच्चों, जेड नॉट लिखो प्लस रेडियस का स्क्वेयर करो अपॉन में अल्फा का कंजुगेट माइनस जेड नॉट कंजुगेट। फार्मूला याद करना है इनवर्स पॉइंट निकालने का। इनवर्स पॉइंट निकालने का ये फार्मूला याद करना है। हाँ जी, क्या सेंटर प्लस क्या है रेडियस का स्क्वेयर अपॉन में गिवन पॉइंट माइनस में सेंटर का कंजुगेट। कंजुगेट इकट्ठा लगा लो या अलग कर लो, एक ही बात है। कंजुगेट तो प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन सब पे खुल जाता है। सेंटर प्लस रेडियस का स्क्वायर अपॉन गिवन पॉइंट माइनस सेंटर का कंजुगेट। क्वेश्चन दे रहा हूं एक छोटा सा ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। जेड माइनस वन का मोड इज इक्वल टू वन और अल्फा दे दिया आयोटा। ये तो पॉइंट बाउंड्री भी हो गया है? नहीं, हाँ जी निकालना आयोटा का इनवर्स पॉइंट इसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल लो। आयोटा का इनवर्स पॉइंट इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू निकाल लो और फिर ड्राइंग बना के वेरीफाई भी करो। सेंटर क्या है वन, रेडियस कितना है वन, वन प्लस वन अपॉन में आयोटा और माइनस वन का कंजुगेट। सिंप्लीफाई करके पूरा आंसर निकाल के दो मुझे। कर दिया पूरा ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में आंसर निकाल के दो। क्या बना माइनस वन, वन प्लस आयोटा बाई टू, यही है क्या? तो इनवर्स पॉइंट जो है आयोटा का वन बाई टू प्लस वन बाई टू आयोटा, ये आया। फोटो बनाना, जरा फोटो बना लो इसकी। जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, सेंटर वन है, रेडियस वन है, सर्कल ये बना, ये क्या है बच्चों वन। अच्छा पॉइंट था मेरा आयोटा, आयोटा आएगा यहां बाहर है आयोटा, प्लीज ध्यान देना ये आयोटा है। इस आयोटा का इनवर्स पॉइंट इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू निकालना था। सर्कल का सेंटर वन था, इनवर्स पॉइंट आपका वन बाई टू प्लस वन बाई टू आयोटा निकला। गलत किया क्या? क्या आया माइनस वन बाई टू? ओहो, तुमको कैलकुलेशन देना और क्या कंपैरिजन करूं तुम्हारे साथ। बताओ क्या आया है? माइनस किसने कहा था बीच में? हाँ कविता, आपने माइनस बोला था, किसने बोला था ये बताओ। नहीं, चलो यही है क्या? श्योर? हाँ जी चलो। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, वन बाई टू प्लस वन बाई टू आयोटा। तो ये पता कहां लाई करेगा बच्चों? ये है ना पॉइंट, देखो ये लाइन दिख रही है, बल्कि मैं इसको आगे क्यों बढ़ाऊं, एक रे बनाऊंगा ऐसे। ये पॉइंट क्या आपका वन, ये मिलेगा पॉइंट, ये वाला वन बाई टू प्लस वन बाई टू आयोटा, ये पॉइंट है वो हाफ और ऊपर हाफ। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं तो ये पॉइंट आपका बी है और ये आपका सेंटर है। सेंटर को की बार मैं ओ नहीं बोलूंगा, मैं सी बोलूंगा, समझ गए? और अगर तुम सी ए इंटू सी बी निकालोगे तो आप देखना कि रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है वन। तो अगर तुम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ना सी ए इंटू सी बी तो वो रेडियस का स्क्वायर वन का स्क्वायर आ जाएगा। लेट मी वेरीफाई, सी ए, सी और ए के बीच का डिस्टेंस वन माइनस आयोटा का मोड, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऐसे ही निकलता है ना, दोनों को घटाओ और मोड कर दो। फिर सी बी तो वन माइनस
1 by 2 minus 1 by 2 iota का mod, मैं इसको करता हूं calculate, ये क्या आ गया बच्चों, root 2, ठीक है क्या, ये क्या बन गया, half, half minus half iota, तो half का square plus half, कुछ गलत किया क्या तुमने, कुछ गलत कर रहे हो क्या, ये नहीं सॉरी सॉरी ये कितना आया, ठीक बात है ठीक बात है, 1 by 4 plus 1 by 4 क्या हो गया, ये 1 by 2 का अंडर रूट, ठीक बात है, कट के 1 आ गया, सही है, हो गया वेरीफाई भाई, इनवर्स पॉइंट ए और बी अगर एक दूसरे के इनवर्स पॉइंट है तो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस निकाल के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर, तो आ रहा है यहां पे रेडियस 1 था, 1 का स्क्वायर 1 है, सी ए इंटू सी बी मैंने कैलकुलेट किया तो आपके पास 1 आ गया, तो ये नॉर्थ पॉइंट है, फॉर्मूला तुम याद रखोगे।